वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है, बैलेंस इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत से आपके ऐसे कंपटीशन है जिसमें बैलेंस इकोसिस्टम पे ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एकेडमिक कोर्सेज होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाई वन बैलेंस इकोसिस्टम का। बैलेंस इकोसिस्टम रियल में होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस इकोसिस्टम। देखा जाए हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यदि हम लोग बात करते हैं बैलेंस इकोसिस्टम का, द बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम इन ए बैलेंस इकोसिस्टम। देखा जब हम लोग बायोटिक और एबायोटिक पार्ट की बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, और वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपको, बैलेंस इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। देखा जाए यदि कोई भी इकोसिस्टम यदि आपका बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, और जो जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में है उनका कहीं ना कहीं उनका हेल्थ भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है, उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। बैलेंस इकोसिस्टम वार इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन डायनेमिक स्टेट ऑफ द बैलेंस आर इक्विलिब्रियम। देखा जाए इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे आपका इकोसिस्टम जो आपका है इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका है। बैलेंस इकोसिस्टम मीन्स द न्यूट्रिएंट इज एबल टू साइकिल इफिशियंट एंड नो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरप्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी। देखा जाए हम किसी भी यदि हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, चाहे माउंटेन इकोसिस्टम की, चाहे ओशियन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है। लेट करिए यदि कोई दूसरा इकोसिस्टम इकोसिस्टम दूसरे फ्लो ऑफ एनर्जी को इंटरप्ट करना चालू कर दे तो उसको बैलेंस इकोसिस्टम नहीं बोलेंगे। बैलेंस इकोसिस्टम का मीनिंग होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है, जो भी आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर वे से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो रहा है। कोई दूसरी आपके इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम की कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस इफेक्ट या इंटरप्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इकोसिस्टम, जिसमें बोला जाता है कि हारमोनियस इन्वायरमेंट वहाँ पे है, मतलब कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा है, जो जिसकी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर वे से आपका एक इफिशियंट वे में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस इकोसिस्टम। ए बैलेंस इकोसिस्टम इज इन ए स्टेट ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी वह डिफरेंट स्पीसीज इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड इन्वायरमेंट इन सस्टेबल वे। अब इसमें देखा जाए हमने बैलेंस इकोसिस्टम का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये नया डिफिनेशन है। बैलेंस इकोसिस्टम किसी भी हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर यदि एरिया में डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पीसीज हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरैक्ट होके वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इकोसिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि सर बैलेंस इकोसिस्टम तो इम्पोर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए, कि जो भी आपके इकोसिस्टम है उसी में आपका क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कोई दूसरे को इंटरप्ट ना करे। लेकिन अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस इकोसिस्टम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखा जाए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लोग अपना हैबिटेट शेल्टर क्या कर रहे हैं, आपके फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री का स्टेबलाइजेशन, या बात करते हैं हम लोग अपना घर बना रहे हैं। तो देखा जाए जब फॉरेस्ट को हम लोग कट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अर्बनाइजेशन,
शहरीकरण करना, अर्बनाइजेशन हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या करें, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करें, कट करें, डैम बनाना, बहुत चीज़ें वहाँ पे वर्क हो रहा है, रोड का डेवलपमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, तो फॉरेस्ट को लोग क्या करें, कट करें। देख हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट जो होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेस्ट कट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत से इंडस्ट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आएगी, क्यों, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पॉपुलेशन अब इंक्रीज हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी कम हो रही, जो खेती आपकी है, जो लैंड है, जो फील्ड है, कहीं ना कहीं कम होते चला जा रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट को लार्ज अमाउंट में कट कर रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटी जो आपका है, बहुत ही आपका क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है आपके बैलेंस इकोसिस्टम का, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी आपके क्या होते हैं, कॉज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कॉज करता है एयर पॉल्यूशन, जो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम, जितने ज़्यादा बिल्डिंग और डैम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बिल्डिंग का बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्डिंग और डैम जितना ज़्यादा बनेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट फील्ड को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा जाएगा, उसे दूसरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एयर, वाटर, सॉयल, थर्मल एंड नॉइज पॉल्यूशन, जितने भी टाइप के पॉल्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस इकोसिस्टम को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आपके मेन फैक्टर होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस ना होने पाए। अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट एंड हाउ मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। देखा जाए यदि हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपने इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, तो मेंटेनिंग बैलेंस इन एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड अदर स्टेबल फैक्टर। देखा जाए यदि हम इकोसिस्टम के बैलेंस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल जितने भी हैं प्रॉपर वे से होना चाहिए, और जो भी आपकी स्टेबिलिटी है वो होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज इस पे राइज होता है कि मेंटेन कैसे हम लोग कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस इकोसिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड का जो सबसे खतरनाक जो फैक्टर होता है, जो हर प्रकार की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है, वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। यदि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल जो बायोडाइवर्सिटी है इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, जो भी हमारे पास लैंड है उसमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, हमको सब कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम किसी पार्टिकुलर एरिया में लैंड में यदि अपना घर बनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ प्लांट को डिस्ट्रॉय करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब जब कहीं पे भी आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि इतने एरिया में मेरा घर बनेगा, इतने एरिया में हम आपके गार्डनिंग या हरियाली हम लोग करेंगे, ग्रीनिश प्लांट लगाएंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा। एयर, वाटर, सॉयल, थर्मल, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल, जितने भी टाइप के पॉल्यूशन यदि हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। मैक्सिमम यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप लोग मैक्सिमम यदि हम लोग यूज कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कहीं ना कहीं सही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बाइक है, बाइक देखा जाए पेट्रोल से चलता भी है, लेकिन आजकल हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे व्हीकल बना दिए जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहा है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला यदि हम लोग व्हीकल यूज करना चालू करें तो कहने गए पेट्रोल हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो पेट्रोल हमारा एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, माने कि कॉज करेगा, लेकिन जब हम लोग ऐसे व्हीकल यूज करेंगे जिसमें पेट्रोल यूज नहीं हो रहा तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो हमको क्या करना है, ऐसे आपको व्हीकल का यूज करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें। मिनिमम यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी आपके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले जितने भी आपके सोर्स ऑफ एनर्जी हैं नॉन रिन्यूएबल, उनको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे कोयले का यूज करना,
डीजल पेट्रोल का यूज कर, ना कैरोसिन का यूज कर, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। उसके स्थान पे हम लोग ऐसे सोर्स का यूज करें जो हमारे इको फ्रेंडली हो, तो हमारा इको सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, डैमेज करता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सेव सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो dkumarlifesciencelasses@gmail पे आप हमको मेल भी कर सकते हैं, तुरंत आपको ऑन स्पॉट आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।